जब से ये दुनिया बनी है तब से हम इंसानों को ऐसा लगता है कि इस पूरी धरती पर प्रकृति की शानदार रचना हम यानी कि मनुष्य आपको कहीं पर पढ़ने या फिर सुनने के लिए मिल जाएगा कि मनुष्य सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन असल में तो ये बात मानने वाली है कि मनुष्य सभी जीवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ना कि सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ। दोस्तों, इस प्रकृति ने समय समय पर ऐसी शानदार और विशाल जीवों की रचनाएं की है जो कि हमें हमारी बुद्धि समेत किसी मच्छर की तरह मसल कर रख सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अतीत में मौजूद कुछ ऐसे ही विशाल जीवों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भगवान को मनाने लगेंगे कि हे भगवान, तूने अच्छा ही किया कि इन विशाल जानवरों को यहाँ धरती से उठा लिया। क्योंकि दोस्तों, ये जानवर विलुप्त हो चुके हैं, मगर वर्तमान समय में ये विशाल का अगर जानवर यहाँ पर आ गए ना धरती पर, तो भाई साहब निश्चित ही हमारे खुद को श्रेष्ठ समझने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना देर की आज का हम रोमांचक सफर स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप इन विशालकाय और खतरनाक जीवों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज यार वीडियो के अंत तक बने रहिए ना। एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल H2 यूनिवर्स को। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मेगलोडॉन फिश। ये मछली एक विशालकाय शार्क थी जो कि आज से करीब 20 लाख वर्ष पूर्व सारे समुद्र पर राज करती थी। जानकारों के मुताबिक इस मछली की लंबाई 80 फीट के करीब थी। खाने के मामले में यह पूरी तरह से मांसाहारी हुआ करती थी, जो पल भर में ही किसी व्हेल को मारने का दम रखती थी। जिस तरह से शेर जंगल का राजा होता है ना, ठीक वैसे ही ये शार्क भी समुद्र की रानी थी। ऐसा कोई समुद्री जीव नहीं था जो इस शार्क से टक्कर ले सके। इसके विशालकाय जबड़ों का फैलाव लगभग 8 फीट तक हुआ करता था, यानी कि एक ऊंट जितने बड़े जानवर को एक बार में ही पूरा का पूरा जिंदा निगल सकती थी। नंबर 2, टाइटोनवा स्नेक। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है इस धरती का, तो आपका जवाब होगा कि भाई साहब कौन सा बुलाते हैं यार, एनाकोंडा है और कौन है। लेकिन दोस्तों, टाइटोनवा नामक अजगर वजन और आकार में एनाकोंडा के आकार से दुगना से भी ज्यादा हुआ करता था। इस दैत्य रूपी अजगर की लंबाई 70 फीट और वजन 1500 किलो हुआ करता था। यह आसानी से एक मगरमच्छ या फिर डायनासोरस को लपेट कर मार देता था और उसे आसानी से निकल जाता था। यह लगभग 5 करोड़ साल पहले ब्राजील और कोलंबिया के वर्षा वनों पर राज करता था। ये इतना बड़ा और ताकतवर था कि हम इंसानों द्वारा बनाई गई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को अपनी कुंडली में लपेट कर गिरा सकता था। नंबर 3, धरती का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव कोटजल लोकोटस। ये जीव उड़ने वाले सभी डायनासोरस में से सबसे बड़ा था। इसके पंखों की फैलाव 60 फीट तक हुआ करती थी, जो इसे हवा में उड़ने वाले सबसे बड़ा जीव बनाता था। ये हाथी को अपने पंजों से उठाकर आसानी से उड़ सकता था। इसकी खोपड़ी और चोंच काफी लंबी और मजबूत हुआ करती थी, जो इसे शिकार को पल भर में ही मारने में मदद करती थी। जानकारों के मुताबिक ये बहुत ही तेजी से आकाश में 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। नंबर 4, सबसे बड़ा मांसाहारी। अगर शिकारी जानवरों की बात की जाए तो 10 करोड़ साल पहले रहने वाला स्पाइनोसोरस सबसे बड़ा और बेहद खूंखार शिकारी जानवर था। यह 60 फीट तक ऊंचा हो जाया करता था और यह अफ्रीका के जंगल में पाया जाता था। और तो और, यह 25,000 किलोग्राम से भी अधिक वजन का था। इसे अपना पेट भरने के लिए करीब 2 से 3 टन मांस की जरूरत होती थी, यानी कि यह किसी किसान के तबेले में बंधी सारी भेड़ बकरियों को या फिर 2 या 3 भैंसों को बड़े आराम से चट कर सकता था। यह काफी फुर्तीला और तेज दौड़ सकता था। आमतौर पर यह नदियों के पास रहता था और नदियों में रहने वाले बड़े मछलियों और मगरमच्छों का शिकार करता था। लेकिन कभी कभी यह शिकार के कमी के कारण दूसरे डायनासोरस पर भी हमला करके उन्हें मारकर खा जाता था। नंबर 5, दोस्तों, ये है आज तक का सबसे बड़ा जीव टाइटोनोसोरस। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा डायनासोरस और पृथ्वी के इतिहास में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव भी है। इसकी लंबाई 200 फीट से भी ज्यादा हो जाया करती थी, लेकिन ये लगभग दिल्ली के कुतुब मीनार जितना ऊंचा था। इसका वजन 120 टन यानी कि 1 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा था। इसका सर इसके शरीर के तुलना में काफी ज्यादा छोटा होता था। निश्चित रूप से ये डायनासोरस पृथ्वी पर आज तक पैदा हुए सभी जीवों में सबसे बड़े जीव है। लेकिन दोस्तों, अगर ये आज के समय में होते तो हम इंसानों को इनसे डरने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये पूरी तरह से मतलब कि ये शुद्ध रूप से शाकाहारी हुआ करते थे। हालांकि ये अपने विशाल कदकाठी के कारण ये गुस्सा होने पर पल भर में ही किसी शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि टाइटोनोसोरस लगभग सभी महाद्वीप में समान रूप से पाया जाता था। तो दोस्तों, इतने विशाल का जानवरों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, प्लीज यार हमें कमेंट कर बताइए ना। और ऐसे मिसिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।